सुंदरगढ़ हेमगिरी फॉरेस्ट रेंज गर्जन पहाड़ अंचल रे महाबड़ बाघ ऐसे न्यूज में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रात में टाइगर स्पॉट किया गया है और यहाँ से पानी पीते हैं एनिमल्स। ऐसे पास में कुछ लोग का कहना है यहीं पे कि यहाँ पे टाइगर आता है, एक बार देख लिया ना किसी इंसान को दौड़ा देता है। हम लोग पहुंच गए हैं बारा पहाड़, जहां पर न्यूज में वायरल है कि टाइगर निकल के घूम रहा है। इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं सिर्फ टाइगर देखने। ओके गाइस, तो तारा भाई अपना ब्लॉगिंग सेटअप कर रहा है, मोटो ब्लॉगिंग, क्योंकि ये मोटो ब्लॉगिंग करने वाला इंसान है। बाकी हम लोग आए हैं, जगह का नाम क्या बताया? ये बारा पहाड़। बारा पहाड़, और ऐसे न्यूज में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रात में टाइगर का स्पॉट किया गया है। सारे गाँव वाले लोग कम्प्लेन किए, देखने मिला है टाइगर। तालाब है आगे, तो इस तालाब में कुछ दिन पहले टाइगर रात को देखा गया था, उस साइड पानी पीने आया हुआ था। टाइगर निकला ये तो 100% ट्रूथ है, बट हम लोग ये देखने आए कि हम लोगों को दिखेगा कि नहीं। अगर दिखा तो भी डेंजर है, नहीं दिखा तो भी डेंजर है, समझ में नहीं आता, बट कंटेंट के लिए करना पड़ता है। तो हम लोग सेफ्टी के साथ आए हैं, क्योंकि टाइगर जो है डोमेस्टिक टाइप का है, बहुत दूर से शूट करके निकल लेंगे, ऐसा टाइप का सीन है, बट बहुत कम चांसेस है कि हम लोग को दिखेगा ऐसे। बारा पहाड़ सुंदरगढ़, वहाँ पे टाइगर को स्पॉट किया गया है। सुंदरगढ़ हेमगिरी फॉरेस्ट रेंज गर्जन पहाड़ अंचल रे महाबड़ बाघ, यहाँ एक वीडियो वायरल हो छी। यहाँ पे तो बहुत सारी जगह में टाइगर को स्पॉट हुई, जो टाइगर है वो रन कर रहा है, पूरा जगह में घूम रहा है, और ये एक है या दो है ये कोई कंफर्मेशन किसी को पता नहीं है। तो इसी चीज को कंफर्म करें तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, और इसका रास्ता यहाँ पर तालाब के पास आया है। आपको साउंड नहीं देता होगा, यहाँ पे पास में हाईवे है, ट्रक व्रक जाते हैं, तो जानवर जंगली जानवर है, ये रात को ही आते होंगे। और यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का पाँव के निशान है, देख सकते हैं, गाय या किसी भैंस का है, और यहाँ से पानी पीते हैं एनिमल्स। काफी गहरा है बिकॉज ये थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, और पानी साफ है, इस वजह से मुझे इसका अंदर का भी पोर्शन दिख रहा है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर टाइगर जरूर आता होगा, मुझे क्या लगता है आता है, क्योंकि ये जो सीन है ना, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा साफ है और ग्रीन है, बस यहाँ पे एनिमल्स लोग भी आते हैं, तो टाइगर भी घूमते फिरते आया होगा यहाँ पे। जब रास्ता से आ रहे थे तभी हम लोग को अंकल मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि बाबू आग दी टिकी नहीं जाओ, इंता इंता बाहर उच्चे टाइगर वगैरह, ऐसे बोले अपना ओडिया में बोल रहे, ओडिया में बोल रहे। गाइस, तो अभी हम लोग जंगल तरफ जा रहे हैं, बट अभी के टाइम में टाइगर लोगों का टाइम ये होता है रेस्ट करने का टाइम होता है, ठंडी के मौसम में धूप सेकते हैं और रेस्ट करते हैं। तो जाते हैं जंगल की तरफ, पूरा अंदर तो नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, अगर किस्मत हो तो हम लोग को दिख जाए, ना हो तो भी बेस्ट है। ओके गाइस, तभी हम जंगल में एंट्री हो चुके हैं। वैसे जंगल ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और सनसेट होने वाला है, अच्छा लग रहा है, साथ में थोड़ा सा डर भी है, बट थिंक पॉजिटिव, क्योंकि टाइगर दिखे बट दूर से, ये चाहते हैं। सुबह सुबह निकले थे पे, यहाँ पे लगभग कितना घंटा का रास्ता होगा तारा? ये ढाई तीन घंटा लग गया होगा। कौन सा पेड़ है बता दो? जामुन? नहीं तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का पेड़ है, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका नाम, लेकिन इसमें ना एक तो फल होता है, पीने वाला नशा वाला हो सकता है, अल्कोहल बनता है, महुल। हाँ महुल पेड़, हाँ उसे टाइप का कुछ नाम था, बट इसमें बनता है। जहाँ तक मुझे पता है टाइगर जो होता है ऐसे टाइप का पेड़ के पास वाले एरिया में बैठना पसंद करता है। और हम लोग चलते चलते जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, हम लोग और थोड़ा सा दो कदम और चलते हैं आगे और देखते हैं कि टाइगर का कोई नामो निशान है कि नहीं, क्योंकि इस एरिया में स्पॉट किया गया है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये भी हो सकता है कि टाइगर यहाँ पे आया था और यहाँ से कहीं और चले गया तो हम लोग को दिखा नहीं, अब आ गए हैं तो हम लोग पूरा देख अपना जितना हो सके अपने तरफ से पूरा 100% देते हैं कि ढूंढने में टाइगर को कहीं दिखे तो। रुक, हिलना मत, वो क्या देख तो है, कुछ नहीं है, डाउट लग रहा है मुझे, 100% कंफर्म कर ले, साउंड मत कर, धीरे से चल, धीरे धीरे चल, हाँ पाँव को ना है,
ओके गाइस, जो वो पेड़ दिख रहा है ना आपको येलो, उसका नीचे में हम लोग को हलचल दिखा था, तो ये था जंगली सुअर था जो भागा दौड़ के। बट जंगली सुअर भी कोई आम चीज़ नहीं है भाई, वो भी बहुत डेंजरस चीज़ होता है, एक बार देख लिया ना किसी इंसान को दौड़ा देता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें से अल्कोहल निकलता है, अल्कोहल बनता है। ये जो पेड़ है इसमें एक फल होता है जो फिलहाल अभी नहीं है, उससे अल्कोहल बनता है। ये पेड़ और ये पेड़, ये सब एक ही पेड़ है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। ओके गाइस, तो इस एरिया में हम लोग तो देख लिए, अभी जो पतला रास्ता गया है ना यहाँ पे जाते हैं और आगे थोड़ा जंगल के अंदर और देखते हैं। वहाँ पे कुछ हिल रहा था वहाँ पे। हाँ, कुछ और जाना हो सकता है। हाँ, कुछ और भी, क्योंकि साउंड फिर दिया ना अभी एक तो। क्या करें यार, साउंड देर। अंदर गए थे हम लोग तो शुभम भाई भी है हम लोग के साथ, तो थकान लग रहा है थोड़ा, बहुत लग रहा है तो आ रहा हूँ ना। चल थक गया हूँ यार। बात सही, थकान तो लग रहा है, पिछले 1.5 घंटे से चल रहे हैं। ऊपर से हम लोग बैग लाना भूल गए हैं, उसमें पानी वानी कुछ नहीं है, क्या करेंगे। नहीं, बैग लाने का आइडिया मेरे पास था, ऐसे बोला कि पास में 1 घंटा का रास्ता है और दुकान वकान तो रहता है, पानी नहीं मिल जाएगा, तो ये सोच के हम ऐसे ही आ गए। अब किसको पता था कि पानी नहीं मिलेगा यहाँ पे। भाई अब दुकान बंद है, दोपहर को दुकान बंद रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग का जो गाँव है बारा पहाड़, वहाँ पे एक आदमी पियोन काम करता था, तो वो हम लोग का रास्ते से जा रहा था, शायद वो बाइक में था या साइकिल में था, उतना मुझे डिटेल्स में नहीं पता, लेकिन वो जब जा रहा था वहाँ रास्ते से, टाइगर थे वहाँ पे, उसको घसीट के लेके गए, एक साइड का पूरा खा गए हैं। पता नहीं वो बचा है कि नहीं बचा है, लेकिन बचना मुमकिन नहीं है उसका। क्या यहीं के आस पास से गाँव गए? हाँ, यहीं बारा पहाड़ का हम लोग का लखनपुर एरिया है। अच्छा, उसी फॉरेस्ट में आते हैं वो लोग, गाँव में डर चल रहा है और वहाँ पे दिन पे जाने में भी डर रहे हैं। जो